दोस्तों अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा साल के 6,000 यानी 2,000 की किस्त जो आपके अकाउंट में भेजी जाती है, तो दोस्तों अब आप इस योजना का पैसा नहीं लेना चाहते हैं, किसी कारणवश उसको आप बंद करवाना चाहते हैं। जैसे अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं, या आप पीएम किसान योजना के पैसा लेने के लिए आप एलिजिबल नहीं है, या किसी कारणवश आप बंद कराना चाहते हैं कि आप पीएम किसान योजना का पैसा नहीं लेना चाहते, आप अपने बदले आप किसी गरीब को अगर आप पैसा दिलाना चाहते हैं, तो आप कैसे जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का है पैसा आप कैसे बंद करा पाएंगे। ऑनलाइन अब ऑप्शन आ चुका है, आप घर बैठे ही आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे ही पीएम किसान योजना का पैसा आप बंद करा पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको किसको बंद कराना है, किसको बंद नहीं कराना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, pmkisan.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके सीधे इस पोर्टल पर आ जाएंगे। इस पोर्टल पर आने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनिफिट, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि अब अगर आप यहाँ से बंद करा देते हैं तो आपको जो कैश बेनिफिट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि आप इसमें दोबारा कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको बंद कराने के लिए यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल करना पड़ेगा, और ये कैप्चा आपको इसमें फिल करके गेट ओटीपी पर क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से आपको होम पेज पर आ जाना। होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक कर देना है। बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है वही मोबाइल नंबर आपको इसमें फिल कर देना है। ये कैप्चा आपको इसमें फिल करके गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट डाटा पर क्लिक कर देंगे उसके बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, यही आप देख सकते हैं। इसी को क्या करना है, आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको बैक आ जाना है। आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को इसमें फिल कर देना है। उसके बाद ये कैप्चा आपको इसमें फिल करके गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद जो आपका क्या है, यहाँ से ओटीपी को वेरीफाई किया जाएगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपका जो है पीएम किसान योजना की तरफ से जो आप बेनिफिट ले रहे हैं यह बेनिफिट बंद हो जाएगी। दो किसान भाई ऐसे हैं जो पैसे को नहीं लेना चाहते हैं, जो एलिजिबल नहीं है किसी भी प्रकार से, वो बंद कराना चाहते हैं, तो वो इस प्रकार से बंद करा पाएंगे बिल्कुल इजीली। और अगर आप वो बंद करा लेते हैं उसके बाद दोबारा आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और ये कैप्चा अगर डाल के आप यहाँ पर फिलअप करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक स्क्रीन शॉट लगा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा जब आपका सरेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन शॉट में यहाँ पर बताया गया यू हैड ऑलरेडी सरेंडर योर बेनिफिट, यानी जो आपका बेनिफिट है आपने सरेंडर कर दिया है, अब आपको यहाँ से लाभ नहीं मिलने वाला है। आप अगर दोबारा चाहते हैं कि आप रजिस्टर करना, तो आप दोबारा यहाँ से रजिस्टर भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार से अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं, अगर आप बेनिफिट का लाभ नहीं लेना चाहते, तो आप बिल्कुल इजीली आप यहीं से बंद करा सकते हैं। और पहले जो बोला गया था कि अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे, अगर आप इलिजिबल नहीं, अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से ऑनलाइन अगर आप सरेंडर कर देते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का जुर्माना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पहले जितना भी बेनिफिट पाए हैं उसके बाद अगर आप ये बंद करा देंगे तो अब उसके बाद आपको बेनिफिट नहीं मिलेगी। तो आई होप दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।